अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। एक बार फिर विवाद का कारण है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लगा एक पोस्टर। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टू मेडिकल कॉलेज में एक गैलरी में लगे ये पोस्टर वहाँ के छात्रों ने लगाए। इन पोस्टर में से एक पोस्टर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति भारत सरकार के सदस्य मानविंद प्रताप सिंह ने सवाल उठाए। इस पोस्टर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद की तस्वीर है। मंदिर के ऊपर पोस्टर में लिखा है कि स्टॉप फाइटिंग एवं मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ है स्टार लविंग। बस यही विवाद की वजह है। मानविंद प्रताप का कहना है कि पोस्टर में एक मंदिर के ऊपर ऐसा बलून बना रखा है कि मंदिर झगड़ा कराते हैं, इसलिए मंदिर के आधार पर झगड़े बंद होने चाहिए और मस्जिद के साथ शांति प्रारंभ होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अगर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है तो दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे विश्व में वासुदेव कुटुंबम की भावना केवल मंदिर के जरिए उजागर होती है। मुस्लिम संस्कृति और मस्जिद झगड़े करने में पूरे विश्व में नंबर वन है। 57 मुस्लिम देशों में झगड़े चल रहे हैं। हिंदुस्तान उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में तत्काल रोक लगाए। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीसी से बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो विषय आज आया है ध्यान में कि एक मंदिर के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने बैलून लगा रखा है कि मंदिर झगड़े कराते हैं, इसलिए मंदिर के आधार पर झगड़े बंद होने चाहिए, मस्जिद के साथ शांति प्रारंभ होती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अगर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है तो यह दिखाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर करने वाला, उसको व्यक्त करने वाला केवल मंदिर है। हिंदू संस्कृति उसको उजागर करती है, मुस्लिम संस्कृति मस्जिद झगड़े कराने में पूरे विश्व में नंबर एक है। और 57 मुस्लिम देशों में झगड़े चल रहे हैं, हिंदुस्तान उन झगड़ों को रोकने का प्रयास कर रहा है। एएमयू की छवि को भी खराब करने का यह प्रयत्न है। इंतजामिया को बार बार आगाह किया जा रहा है कि वह विजिलेंस रखें, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग इस प्रकार के हैं जो बार बार इस प्रकार की गतिविधियों के आधार पर एएमयू को बदनाम कराने की साजिश रच रहे हैं। यह बड़ी साजिश हो सकती है, यह हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच में गहरी खाई को करना चाहते हैं उसकी साजिश हो सकती है। एएमयू के अंदर नक्शा विवाद हो, भारत के कुछ हिस्सों को हटा देने का विवाद हो, या मस्जिद के नाम पर पोस्टर लगने का विवाद हो, या फिर वहां पर हॉस्टल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों का भोजन एक ही तेल में पकाए जाने का विषय हो, यह गंभीर विषय है और प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब को इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण परिसर का विजिलेंस के नाते से प्रॉक्टर टीम को जगह जगह पर लगाया जाना आवश्यक है। जिस कैंपस में भी गड़बड़ी होती है उस कैंपस का जो इंचार्ज है, जो सुप्रिंटेंडेंट है, वह जिम्मेदार होगा, यह निर्णय करना चाहिए। इसके विषय में जो है वाइस चांसलर साहब से बात करूंगा कि वह क्यों इंतजामिया बार बार नाकाम इन विषयों पर हो जाती है। उधर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी संस्था रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमने सामुदायिक सद्भाव के लिए इसे बनाया था, हमारा मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं था, हमने प्यार मोहब्बत की बात की है, उस नजरिए से इसको देखना चाहिए था। कम्युनल हारमोनी के लिए बनाया था कि सब लोग मिलजुल के रहें, सद्भाव से रहें। और जिस तरह की चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है कि मंदिर पर फाइटिंग हो, मस्जिद के ऊपर स्टॉप, तो इस तरह की क्या चीज़? इस तरह का कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने बस कॉपी पेस्ट किया था नेट से, मेरा ऐसा किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं था। क्या नाम है सर आपका? तारिक। ठीक, थैंक यू। जैसे मेडिकल में जो पोस्टर लगाया उसको लेके एक तरीके से जो कुछ लोगों ने उसकी बाबत ही जताई है, देखिए जो मुझे लगता है कि इस तरह की बात उठनी नहीं चाहिए थी। यहाँ तो प्यार और मोहब्बत की बात की गई है, उस नज़रिए से इस पोस्टर को देखना चाहिए था, इस बैनर को देखना चाहिए था। और यहाँ पे हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ के चेयरमैन ने अपने रेजिडेंट से कहा कि वो एक हिंदुस्तान में जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से माहौल है, तो
मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक हिंदुस्तान के हर एक आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा जो था बहुत दिनों तक हिंदुस्तान में था, ये है कि थोड़ा सा ये देखा गया कि इसमें कुछ हो रही है, तो हर एक पूरे हिंदुस्तानी को इसमें मेहनत मशक्कत करनी चाहिए कि अपने हिंदुस्तान को एक मजबूत एक सोने की चिड़िया जो थी उस दिशा में फिर से अग्रसर हो कि हमारे मुल्क में एक दूसरे से लोग मोहब्बत करने वाले हो जाए। असल तो हिंदुस्तान से मोहब्बत तभी की जाएगी जब एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करे, दूसरे की परेशानी में शामिल हो। अगर वो डॉक्टर है, किसान पे परेशानी आ रही है तो उसमें भी शामिल हो, तब ये समझ में आएगा कि कोई भी इंसान अगर परेशान है उसकी परेशानी में अगर शामिल हो रहा है तो ये समझो कि वो सच्चा हिंदुस्तान से मोहब्बत कर रहा है, नहीं तो सब दिखावा है, सब भ्रम है। इशू पे क्या कहेंगे? जिस इशू पे मैं तो कहूँगा कि ये इशू ही नहीं थी जिसको लोगों ने अपने नज़रिए से देखा, ये इसको उठाया, कोशिश की कि इसको वो किया जाए, इसमें ऐसा कोई नहीं है। ये एक दूसरे से मोहब्बत करने की दिशा में बनाया गया ये था कि कम्युनल हारमोनी हिंदुस्तान की बरकरार रहे, एक दूसरे से लोग मोहब्बत करें और हिंदुस्तान में सौहार्द बरकरार रहे। मैं मोहम्मद हमजा मलिक नाम है, मैं RDA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि आज वर्ल्ड वुमन राइट डे है। इस पोस्टर में ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें प्यार का पैगाम है। हमको अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, किसी की तरह शिकायत हमको नहीं मिली है। देखिए, आपके संज्ञान से हमें ये पता चला है, और दूसरी चीज़ ये है, इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जो पोस्टर हमने देखा आपका, जो आपने पोस्टर आपके माध्यम से हमने देखा, उसमें हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आज आपको जैसे मालूम है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, ओके, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, तो इसमें कोई पैगाम जो है वो प्यार का पैगाम है, कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है इस चीज़ को, इसके माने नहीं है। मेरे ख्याल से चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए, अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, जो मैसेज जो है उस मैसेज पे होना चाहिए। क्योंकि आज का दिन जो है UN चार्टर्ड का दिन जो ये है, ह्यूमन राइट्स का दिन है। देखिए, आप शिकायत जो बता रहे हो हमारे संज्ञान में नहीं है, और किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप निराधार होते हैं। यहाँ पर सिर्फ बच्चों की जहन साजी करके बच्चों को देश के निर्माण के लिए ऊर्जा को प्रोत्साहित करा जाता है, वो हम कर रहे हैं। खबर जगत 24 न्यूज अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।